एससी वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 11। व्हाइट लाइट इज यूज इन एंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द वायलेट फ्रिंज, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर, ए वायलेट कलर की वेवलेंथ विच ओवरलैप्स विथ अ रेड फ्रिंज। रेड कलर की वेवलेंथ होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 700 नैनोमीटर। तो इस 11th न्यूमेरिकल में इस स्लिट पर यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट हो रही है एक सेम सोर्स से, मतलब इन फेज जो लाइट होगी वो व्हाइट लाइट होगी। व्हाइट लाइट का मतलब उसमें 7 कलर्स हो गए, तो यहाँ पे 7 कलर यहाँ पे इंसिडेंट हो रहे हैं। 7 कलर इंसिडेंट हो रहे हैं मतलब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं है। मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है एक ही कलर की, तो यहाँ पे इसका क्रश क्रश ट्रप ट्रप मैच होता है, उसके कारण डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिलती है। लेकिन यहाँ पे 7 अलग अलग कलर होने के कारण यहाँ पे जो फ्रिंज इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने वाला है वो कलरफुल इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे ब्राइट डार्क नहीं बल्कि कलरफुल इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। और हमें क्वेश्चन में कहा है कि ए मिनिमम ऑर्डर फाइंड करो जहाँ पे वायलेट फ्रिंज ओवरलैप्स द रेड फ्रिंज। तो कई जगह पे अभी अलग अलग कलर्स ओवरलैप हो गए, तो पहले बार मतलब मिनिमम पहले बार वायलेट कलर जब रेड कलर के साथ ओवरलैप होगा वो वायलेट कलर का कौन सा नंबर होगा, कौन सी फ्रिंज का वो नंबर होगा, ये हमें बताना है। तो हमें कहा है कि वायलेट फ्रिंज ओवरलैप्स विथ रेड फ्रिंज, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा। अब यहाँ पे तो मैक्सिमा ही होगा क्योंकि हर एक लाइट के लिए दोनों स्लिट से सेम डिस्टेंस ट्रैवल करना है, और यहाँ पे एक सोर्स है तो वो फेज में ही रहेगा, तो यहाँ पे तो मैक्सिमा ही होगा। अब जहाँ कहीं पे वायलेट कलर यहाँ पे होगा मतलब ये वाई डिस्टेंस, तो वाई डिस्टेंस किस तरह से फाइंड करना है, हमने न्यूमेरिकल 5 में देखा कि वाई इज इक्वल टू क्या होता है। तो ये वाई कलर मतलब पोजिशन ऑफ फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वायलेट कलर ओवरलैप्स, मतलब ये इज इक्वल टू होगा ओ डिस्टेंस वाई रेड कलर के लिए भी। लेकिन ये पता नहीं कि कौन से नंबर की वायलेट है, सेकेंड वायलेट फ्रिंज है या थर्ड वायलेट है या फोर्थ वायलेट है, ये पता नहीं। वैसे ये रेड कौन से कलर नंबर का है वो भी पता नहीं। तो y इज इक्वल टू क्या आता है, n लैम्डा d अपॉन d स्मॉल d। तो ये हमने न्यूमेरिकल 5 में देखा है कि किस तरह से ये हमने डिराइव किया था। अब इसे याद रखना है कि y इज इक्वल टू दिस, इसे शॉर्ट में याद रखना है तो एक फ्रिंज की जो विड्थ होगी हमने उसे कहा था बीटा, और ऐसे कितने नंबर्स हो गए तो एन बीटा, इस तरह से भी हम उसे याद रखते हैं। और बीटा की वैल्यू अगर पता चली पता है तो एन और बीटा की जगह पे लिख सकते हैं हम लैम्डा डी अपॉन डी, मतलब ये इज इक्वल टू, अब ये रेड कलर का एन कुछ अलग होगा, रेड कलर का कुछ इसे एन आर लिखते हैं, इसे एन वायलेट लिखते हैं, तो ये नंबर कुछ अलग होगा और उसके लिए भी ये लैम्डा रेड कलर की वेवलेंथ और ये लैम्डा है वायलेट कलर के लिए इंटू डी डिवाइडेड बाई डी। अब ये डी कैंसिल होगा, ए कैपिटल डी कैंसिल होगा, हमें ए एन वी अपॉन एन आर कितना आएगा, तो ये एन आर इधर चला जाएगा और लैम्डा वी इधर डिवाइड होगा, तो ये आएगा लैम्डा आर अपॉन लैम्डा वी। इसकी वैल्यूज दी हुई है हमें, मतलब ए एन नंबर ऑफ वायलेट फ्रिंज टू द नंबर ऑफ रेड फ्रिंज इज इक्वल टू लैम्डा आर रेड कलर की वेवलेंथ। लैम्डा आर की वैल्यू दी है 700 नैनोमीटर और लैम्डा वी उसकी वैल्यू दी है 400 नैनोमीटर, तो एक कट होगा तो 7:4 मतलब यहाँ पे वायलेट कलर, ये वायलेट कलर का 1 2 3 4 5 6 7 नंबर की जब एन वी जब 7 कलर की फ्रिंज होगी तब रेड कलर की फोर्थ फ्रिंज होगी, 1 2 3 रेड कलर की फोर्थ फ्रिंज, रेड कलर की फोर्थ फ्रिंज और वायलेट कलर की 7 फ्रिंज मैच हो रही है। उसके बाद 7/4 रिफ्रैक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दोनों साइड को 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17/14 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 और ये 12 आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 और 16 आ जाएगा, मतलब वायलेट कलर की 14
फ्रिंज और रेड कलर की 8 फ्रिंज भी ओवरलैप होगी। उसी तरह से वायलेट कलर की 21 और रेड कलर की यहाँ पे 12 ये फ्रिंज भी ओवरलैप होगी। वायलेट कलर की 28 और रेड कलर की 16 ये फ्रिंज भी ओवरलैप होगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में कहा है कि वो मिनिमम ऑर्डर कौन सा होगा, मिनिमम नंबर। तो सबसे पहले यहाँ पे ये नंबर होगा, मतलब वायलेट कलर की 7th फ्रिंज रेड कलर के 4th फ्रिंज के साथ यहाँ पे ओवरलैप हो रही है। तो क्वेश्चन में वो वायलेट कलर के लिए पूछा था तो वो आंसर 7 आ जाएगा कि 7 नंबर के वायलेट कलर, वायलेट फ्रिंज पहले बार रेड कलर के साथ ओवरलैप हो रही है।